नगर पंचायत बेरला में प्लेसमेंट के कर्मचारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कर्मचारियों की तरफ से सीएमओ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। कर्मचारियों ने बताया कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी सीएमओ द्वारा कर्मचारियों को बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। ऐसे में अब सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। इसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को समझाया और सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बेमित्रा जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर बेरला नगर पंचायत में, जहां पर प्लेसमेंट में कार्य करने वाले कर्मचारी ने यहां के अधिकारी यानी जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूं बेरला नगर पंचायत के इस प्रांगण में, साथ ही कुछ जनप्रतिनिधि हैं, प्लेसमेंट में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिन्होंने काम बंद कर दिया है। आइए सीधे उनसे ही बात करते हैं। हमारे साथ है नगर पंचायत के अध्यक्ष राजधर जी। क्या हो गया भैया, किस बात को लेकर है? क्या है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के तानाशाही के चलते प्लेसमेंट कर्मचारी को कभी भी भगा देता है, कभी भी रखता है, और अभी तो तत्काल में उसको सबको भगा दिया गया था और उसको काम में रखने के लिए हम लोग बार बार निवेदन किए, उसके बाद भी नहीं किए। एसडीएम मैडम से चर्चा हुई है, उसके बाद आके वो समझाया गया है कि आप लोग काम करिए, आगे का कार्यवाही मैं बैठक के आने के बाद आगे की कार्यवाही करूंगा करके। क्या हमेशा ऐसी दादागिरी होता है यहाँ नगर पालिका अधिकारी का? सीमो साहब जब से आए हैं मनीष दुबे जी, नगर पंचायत की स्थिति ऐसी बनी हुई है। कल जो कहा था प्लेसमेंट कर्मचारी और सीमो साहब के बीच का था, पार्षदों को सहयोग मांगा गया था तो पार्षद लोग भी सभी आए थे, कल के एसडीएम साहब के समक्ष पेश किए थे विज्ञापन, उसी के संबंध में आज सुबह बिजली पानी सब बंद करके धरने पर बैठ गए थे। हम सब प्रतिनिधि आए और समझाइश करने और एसडीएम मैडम के आने के बाद ये समस्याओं का हल हुआ, और हम चाहते हैं कि ये रोज रोज जो हो रहा है जब से आए हैं सीमो साहब मनीष दुबे जी, इस मामले को प्रशासन हल करे और उसको तत्काल निलंबन करवाए। हमारे साथ उपाध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी थोड़ा सा इधर आएंगे। आखिर इतनी समस्या क्यों हो रही, क्यों इसकी दादागिरी दुबे जी की, क्या लगता है कितना नुकसान कितना हो गया अभी दो दिन से अगर ऐसी हालत रही तो? ये अगर ये स्थिति रहा तो पूरा शहर को नुकसान है। जो लेबर प्लेसमेंट के कर्मचारी आज ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको एक दिन हाफ टाइम घूमने के लिए क्या चले गए, सबको ये बोल के बैठा दिया गया कि तुमको यहाँ काम नहीं करना है। प्लेसमेंट के कर्मचारी के दम में ही हमने नगर पंचायत बिरला को दिल्ली में और यहाँ बेमेतरा जिले में टॉप में आने पे स्वच्छता के अंतर्गत अवार्ड मिला है। आज उन्हीं प्लेसमेंट कर्मचारी पूर्ण रूप से तकलीफ में है, कभी भी इनको बिना कारण बताए हटा दिया जाता है और कभी भी किसी नए की भर्ती कर दी जाती है। कैसे दादागिरी रहती है, आपको देख रहा हूँ प्लेसमेंट, आप लोगों की बदौलत जो है वो आज पुरस्कार मिला, दिल्ली तक गए हैं, क्या बोलेंगे इसको लेकर? ये उनको कर्मचारियों को बोल दिया गया कि काम पे नहीं रखेंगे करके, जो 14-15 लोग गए थे तो फिर सभी कर्मचारी उनके साथ में आए और अपने समस्याओं को लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए, तो और एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद कि सभी समस्याओं का निराकरण होगा, ये आज जो मूलभूत सुविधा है उसको चालू किया गया है, और यदि कहीं इन समस्या का निराकरण भविष्य में नहीं होगा तो आगे फिर और आंदोलन हो। हमारे साथ प्लेसमेंट कुछ कर्मचारी, कितनी तकलीफ होती है, कितनी दादागिरी करते हैं अधिकारी यहाँ के? बहुत दादागिरी है सर यहाँ तो, और ऐसे कि वे तो छोटे छोटे बात में मानसिक रूप से सब तरह से प्रताड़ित करे जाते, और कुछ भी है एक दिन छुट्टी मारे चाहे कहीं भी हो, खाकर पारिवारिक कार्यक्रम में जातन, कहीं भी जातन, बिल्कुल एक सूत्री होकर रही थे कि बस काम से निकाल दो, कोई भी कारण रहा है सिर्फ काम से निकाल दो, यही प्रमुख होकर मेन मुख्य। आप लोग कर्मचारी प्रताड़ित होते हैं, पैसा काट देते हैं, दादागिरी करते हैं, क्या करते हैं अधिकारी? वो कहते हैं सीधा काम में मत आओ, एक भी छुट्टी नहीं देते ना, एक दिन छुट्टी मार दो तो सीधा काम से निकाल देते हैं। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी राह चाहिए, एक दिन भी छुट्टी नहीं देते वो, हमें ऐसा यह नहीं चाहिए, वेतन वेतन भी नहीं देता ढंग से, ऐसा सीएमओ नहीं चाहिए हमें, तत्काल निकाल सुबह से लेकर शाम तक। पूरे प्लेसमेंट के कर्मचारी काम कर रहे हैं, रेगुलर भी यहाँ पे हैं? जी हाँ, यहाँ पे कोई भी रेगुलर वाला नहीं है, सफाई कर्मचारी में पूरा प्लेसमेंट है, पूरा टोटल प्लेसमेंट ही कर्मचारी ही हम ही लोग ही करते हैं सर।
तो बिल्कुल देख सकते हैं, इनका कहना है कि सिर्फ प्लेसमेंट के कर्मचारी के बदौलत आज यहाँ के जो अधिकारी हैं वो रायपुर से लेकर दिल्ली तक के जाकर पुरस्कार पा चुके हैं, लेकिन जिनके बदौलत इन्होंने पुरस्कार पाया उन्हें ही लगातार वो प्रताड़ित कर रहे हैं। आज हालात ये थी कि पूरी तरह से अपने काम को बंद कर हड़ताल में चले गए थे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों के समझाइश के बाद ये फिलहाल अपने काम पर तो गए हैं, लेकिन इन्होंने चेतावनी दी है कि अधिकारी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। अब जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। सुजीत शर्मा, NDTV बेमित्रा। के प्लेसमेंट कर्मचारी सारे कर्मचारी आज यहाँ पर SDM ऑफिस में आकर के अपना ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। इनकी मुख्य समस्या यह है कि इन्होंने इनके द्वारा जो लिखित में आवेदन जो पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें यह बताया गया है कि ये काम में अगर एक दिन छुट्टी लेते हैं तो CMO साहब के द्वारा छुट्टी देने से मना किया जाता है, और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि CMO साहब ने कल से काम में आने के लिए मना किया गया है, तो इसी के विरोध के फलस्वरूप ये अपना आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के नाम में SDM मैडम के पास प्रस्तुत करें, जिससे कि मैं लिखता हूँ।